हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 223 तक कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 231 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 में हमें क्या दिया है? x माइनस वन वाई एक्स बराबर है आपका 6 के, और एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है यहाँ से। यानी यहाँ से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम पहले एक्स प्लस वन वाई एक्स चाहिए, उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्लस वाले का क्यूब पूछा गया है। अगर प्लस वाले का क्यूब निकालना होगा तो पहले हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, यानी हमें चाहिए एक्स प्लस वन वाई एक्स। ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है? मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर पावर समान हो और माइनस से प्लस पर जाना हो तो आप दी गई संख्या में प्लस 4ab भी करेंगे, यानी स्केयर कर कर 6 का, उसमें प्लस 4ab। और यहाँ से अगर प्लस से माइनस पर जाना हो तो दी गई संख्या का स्केयर कर कर उसमें से माइनस 4ab भी करेंगे। और अगर a और b बराबर हो यानी समान हो तो आप क्या करेंगे, सीधा प्लस या माइनस 4 कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 40, और यहाँ से आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 40। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आगे हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब, यानी क्यूब पूछा गया है। तो क्यूब में हम क्या करते हैं, प्लस के क्यूब में हम दी गई संख्या का क्यूब कर कर उसमें से उसका 3 गुणा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी स्क्वायर रूट 40 का क्यूब होगा 40√40। माइनस करेंगे आप 3√40, क्योंकि प्लस का क्यूब याद करना हो तो हम माइनस करते हैं 3 गुणा कर कर, यानी यहाँ से आपका आ गया 37√40। और इसको आप लिख सकते हैं 37 गुणा 54√10। आपको जो भी ऑप्शन मिले वही आपका क्या होगा। सॉरी दोस्तों, 37 गुणा आपका होता है 74, यानी 37 गुणा 74√10 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 232 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 232 में दिया है एक्स माइनस वन वाई एक्स बराबर है आपका 7 के, और वैल्यू ज्ञात करनी है आपको एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब की। यानी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस वाई वैल्यू ज्ञात करेंगे। आगे मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, यानी एक्स प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप एक्स प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 और 4 53, यानी स्क्वायर रूट 53। और यहाँ से आप प्लस वाला क्यूब निकालेंगे तो 3 घटाकर यानी 50√53 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप करेंगे क्यूब तो 53√53 आएगा, उसमें से 3√53 घटाएंगे तो 50√53 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से शॉर्ट किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लस वाला चाहिए, यानी प्लस वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53 यानी स्क्वायर √53, यानी उसमें से 3 घटाएंगे तो 50√53। सीधा भी आप कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 233 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 में हमें क्या दिया गया है? एक्स माइनस वन वाई एक्स आपको वैल्यू दी गई है 8 के बराबर, और वैल्यू ज्ञात करनी है आपको एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब की। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं
तो आप सॉल्ट कैसे करेंगे? 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी प्लस वाले पे जाना है, 64 और 5 होता है आपका 69, यानी स्क्वायर रूट 69 हो गया आपका। यहाँ से यानी हमारी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 69, ये किसकी आई है? एक्स प्लस 1 वाई एक्स की। सॉरी दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, क्योंकि हम क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो ये 68 आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 घटाकर लिखेंगे तो आएगा आपका 65 रूट 68। रूट 68 को लिख सकते हैं 17 चौके 68, यानी 4 में से 1-2 बाहर आ जाएगा। 65 दूना 130 रूट 17 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये दोनों ही आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर, अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में मिले तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 234 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 में हमें क्या दिया है, एक्स माइनस 1 वाई एक्स बराबर है आपका 9 के, और वैल्यू याद करनी है आपको एक्स क्यूब प्लस 1 वाई एक्स क्यूब की। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 वाई एक्स, यानी वो कैसे आ सकता है, दी गई संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 4 कर देंगे तो स्क्वायर रूट 85, यानी स्क्वायर रूट 85 आएगा। और प्लस वाला क्यूब निकालना है तो उसमें से 3 घटाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 82, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 82 रूट 85। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 235 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 235 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर बराबर है आपका 5 के, और एक्स की पावर 6 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। पहले वे हमें क्या दिया गया है, प्लस की वैल्यू, और पूछा क्यूब किस में है, माइनस में। अगर माइनस का क्यूब निकालना है तो हमें वैल्यू चाहिए माइनस की। माइनस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो आप 5 का स्क्वायर 25 और माइनस की वैल्यू निकालेंगे, यानी सेम पावर निकालेंगे। दोस्तों ये स्क्वायर दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। यानी हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर, पावर क्या है, समान है। 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 21, क्योंकि अगर प्लस से माइनस पर जाना हो तो माइनस और माइनस से प्लस पर जाना हो तो प्लस। यहाँ से आप इसका क्यूब कर कर 3 गुना उसमें जोड़ देंगे, यानी 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21, यहाँ से आएगा आपका 24 रूट 21। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 236 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 में हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 5 बराबर आपको दिया गया है स्क्वायर रूट 29 के, और वैल्यू ज्ञात करने हैं आपको एक्स की पावर 15 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 15 की। यानी यहां से आप माइनस का क्यूब निकालेंगे अगर तो माइनस की वैल्यू चाहिए, अगर पावर समान है यानी ये इसका क्या है क्यूब, तो हमें चाहिए एक्स की पावर 5 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 5, यानी वो कैसे आ सकता है, दी गई संख्या का स्क्वायर, यानी स्क्वायर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29, माइनस 4 करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे आप तो वैल्यू आएगी आपकी 5, फिर इसका क्यूब प्लस 3 गुना, यानी 5 का क्यूब होता है 125, प्लस करना होगा 3 गुना, 5 दिया 15, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर आ गया 140। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 237 पर चलते हैं। ये मैंने सॉल्व किए हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्यूब वाले डिटेल से करवा रखे हैं। आगे हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर
बराबर है आपका 7 के, और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है, यानी प्लस दिया गया है सीधा और प्लस से क्यूब की पूछी हुई है। तो यहाँ से हम स्क्वायर से क्यूब सीधा निकाल नहीं सकते, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा x + 1/x, क्योंकि यहाँ से हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं। अगर पावर आधी पर आना हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लस से प्लस पर आना हो तो आप दी गई संख्या में 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 7 में 2 जोड़ा तो 9 का स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आई आपकी 3। और यहाँ से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं कैसे, यानी दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² + 1y² + 2ab। ए और बी समान है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से प्लस का 2 बचेगा, इधर जाकर क्या होगा -2, यानी x + 1y² का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 7। और यहाँ से हमें अगर आधी पावर पर आना हो यानी स्क्वायर रूट पर आना हो तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्या में 2 जोड़कर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ से क्यूब निकालना आसान है क्योंकि x + 1y² की वैल्यू आई है आपकी 3, और x³ + 1y³ की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, यानी 3 का क्यूब होगा आपका 27 प्लस y में हम क्या करते हैं माइनस, यानी 3 × -3, ये हो गया आपका 27 - 9 = 18। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका 18। आगे हम क्वेश्चन नंबर 238 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 में हमें क्या दिया है, x² + 1y² = 62 और x³ + 1y³ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहां से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले x + 1y² की वैल्यू निकालेंगे, यानी दी गई संख्या में आप 2 जोड़कर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी x + 1y² आएगा आपका 64 + 2 = 64 का स्क्वायर रूट 8, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 8। क्यूब निकालेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, और माइनस कर देंगे 8 + 24, यानी यहाँ से आएगा 488। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 239 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 में हमें क्या दिया गया है, x³ + 1y² = दिया है आपका 19 के, x² + 1y² की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी पावर 4 से हम पावर 6 पर नहीं जा सकते, या तो हम पावर 1 से 6 पर जा सकते हैं या हम पावर 2 से 6 पर जा सकते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, पहले इसकी आधी पावर निकाल देंगे, यानी पावर 2 निकालेंगे, ये क्या है पावर 2 का होल स्क्वायर है, तो आप पावर 2 निकालेंगे, यानी x² + 1y² अगर पावर प्लस से प्लस पर जाना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस कर कर उसका क्यूब रूट, सॉरी दोस्तों प्लस कर कर हम उसका स्क्वायर रूट, यानी 19 और 2 = 21, यानी स्क्वायर रूट 21। अगर पावर 4 निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर -2 करेंगे, क्योंकि प्लस से प्लस पर जाना हो तो माइनस करते हैं, पावर ज़्यादा पर जाना हो यानी 2 पावर से डबल पावर पर जाना हो 4 पर, अगर आधी पर आना हो तो क्यूब रूट कर कर उसमें से -2, यानी हम स्केयर से क्या जा रहे हैं पावर 4 पर, यानी इसका क्या है होल स्केयर, तो इसका होल स्केयर -2ab, और अगर आधी पावर पर आ रहे हैं तो पहले हम उसमें 2ab ऐड करेंगे और फिर उसका स्केयर रूट कर देंगे, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई x² / 2 की। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं क्यूब, यानी पावर 6 है तो 6 यानी क्यूब दिया गया, तो यहाँ से आपका आएगा 21√21 है, प्लस बड़ा है तो -3√21,
तो यहाँ से आपका आया 18√21। इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 240 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 में हमें क्या दिया गया है, x की पावर 10 प्लस 1 y x की पावर 10 बराबर दिया है आपको 23 के, x की पावर 15 है प्लस 1 y x की पावर 15 आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन हमने डीप से किया है। यहाँ से आप क्या याद कर सकते हैं, पावर 5 याद कर सकते हैं और 5 से हम क्यूब पर जा सकते हैं। तो पावर 5 पर पहले कैसे आएंगे, यानी दी गई संख्या में 2 जोड़ो और फिर उसका क्या कर दो स्केयर रूट, यानी स्केयर रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी 5। और फिर क्यूब पर जाना है तो 5 का क्यूब 125 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस वाला है तो 5 दिया 15 यानी 110। इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 241 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में हमें क्या दिया है, x की पावर 14 प्लस 1 y x की पावर 14 बराबर है आपका 34 के और x की पावर 21 प्लस 1 y x की पावर 21 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। पहले आप क्या करेंगे, आधी पावर पर आएंगे, यानी यहाँ से x की पावर 7 प्लस 1 y x की पावर 7 हम याद कर सकते हैं। 34 और 2 36 का स्केयर रूट यानी आया 6। यहाँ से आप क्यूब याद कर सकते हैं, यानी 6 का क्यूब होता है 216, माइनस करना होगा 6 दिया 18 यानी 198। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 241 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 में हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y x स्क्वायर बराबर दिया है हमें 11 के और पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस 1 y x क्यूब। पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्यूब निकालना है माइनस वाला, तो हमें वैल्यू चाहिए माइनस की, और अगर प्लस वाला क्यूब निकालना हो तो हम निकालते हैं प्लस वाली वैल्यू, प्लस वाली दी गई है माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें चाहिए x माइनस 1 y x। अगर माइनस पर आना हो तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्केयर रूट, यानी 9 का स्केयर रूट 3। और यहाँ से आप स्केयर कर सकते हैं, यानी a माइनस बी का अगर होल स्केयर करेंगे तो दोनों साइड होल स्केयर, यहाँ से होगा एक्स स्केयर प्लस 1 y x स्केयर माइनस 2 ab, a से b कैंसिल, यानी माइनस का 2 3 का स्केयर 9, माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का होगा यानी 11। यहाँ से हमें पता चला कि अगर प्लस से प्लस पर आना हो तब हम करते हैं 2 ऐड, और अगर हम प्लस से माइनस पर आना हो तो हम करते हैं माइनस का 2। यहाँ से हमने माइनस का किया और हमारी माइनस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्यूब निकाल सकते हैं, 3 का क्यूब आपका 27 और 3 गुना ऐड करना होगा, 3 दिया 9 यानी 27 में आपको 9 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 36। आगे हम क्वेश्चन नंबर 243 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 में हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y x स्क्वायर बराबर है आपका 18 के और वैल्यू याद करनी है आपको एक्स क्यूब माइनस 1 y x क्यूब की। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हमें क्यूब निकालना है माइनस वाला, तो पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस वाले की, तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू कैसे आएगी, माइनस 2 करना है फिर उसका स्केयर रूट करना है, यानी माइनस 2 करेंगे तो आएगा 16, यानी 16 का स्केयर रूट आएगा आपका 4, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस करेंगे 3 गुणा 4 दिया 12 यानी यहाँ से आपका आ गया 76। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 76।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 244 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 में हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर है आपका 27 के, और आपको वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स क्यूब माइनस वन वाई एक्स क्यूब की। यहाँ से हमें क्या चाहिए, पहले माइनस वाई वैल्यू चाहिए, यानी हमें चाहिए एक्स माइनस वन वाई एक्स। माइनस प्राणि के लिए आप दी गई संख्या में से पहले क्या करते हैं, माइनस दो, फिर उसका स्केयर रूट यानी स्केयर रूट 25, और माइनस वाई में हम क्या करते हैं 3 ऐड कर उसका आंसर लिख देते हैं, यानी 25 रूट 25 में अगर 3 रूट 25 ऐड करेंगे तो आएगा 28 रूट 25। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, क्योंकि 28 रूट 25 कैसे आया, स्क्वायर रूट 25 आया है हमारा x माइनस वन वाई एक्स, यहाँ से क्यूब करेंगे तो आएगा 25 रूट 25, और माइनस वाले में हम उसका 3 गुणा कर क्या करते हैं ऐड, और प्लस वाले में क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ से 25 रूट 25 में अगर 3 रूट 25 जोड़ेंगे तो आएगा 28 रूट 25। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 245 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 में हमें क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर है आपका 47 के, और वैल्यू ज्ञात करनी है हमें एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की, यानी हम पहले क्या कर सकते हैं x प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, यानी पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर, यानी इसमें दो जोड़ो, 47 में दो जोड़ा 49 का स्क्वायर रूट, यहाँ से आया आपका 7। फिर निकालेंगे एक्स प्लस वन वाई एक्स, क्योंकि प्लस से प्लस पर आते हैं और आधी पावर पर आते हैं, तो हम क्या करते हैं दी गई संख्या में दो जोड़ा, 7 में दो जोड़ा 9, फिर उसका स्क्वायर रूट, यानी यहाँ से आया आपका 3, और यहाँ से आप एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस कर देंगे 9, क्योंकि प्लस वाले क्यूब में हम करते हैं माइनस, 3 तिया 9, यानी यहाँ से आया आपका 18। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 246 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 246 में हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 4 बराबर है 7 के, x की पावर 3 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 3। यहाँ से हम पहले x की पावर 2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमारा आया 3। फिर हम वैल्यू ज्ञात करेंगे x प्लस वन वाई एक्स, यानी 3 में 2 जोड़ा 5 और स्क्वायर रूट 5, यहाँ से आ गया हमारा x प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर रूट 5, और यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं x क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब, यानी यहाँ से अंडर रूट 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 5 रूट 5, और उसमें से 3 रूट 5 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्यूब क्या है प्लस वाला है, यहाँ से आया 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, आपका राइट आंसर आ गया 2 रूट 5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 247 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 में हमें क्या दे रखा है, x की पावर 8 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 8 बराबर है आपका 23 के, और x की पावर 6 प्लस 1 वाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम पावर 4 ज्ञात करेंगे, यानी
ये क्यूब किसका है, एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर का, यानी हमें पावर पर पहुंचना है दो पर। तो हम पहले पावर चार ज्ञात करेंगे, यानी एक्स की पावर फोर प्लस वन वाई एक्स की पावर फोर, 23 और दो 25 यानी स्केयर रूट 25, यहाँ से आया 5, एक्स की पावर दो प्लस वन वाई एक्स की पावर दो, 5 और दो 7 यानी स्केयर रूट 7। अगर आपको क्यू निकालना है यानी एक्स की पावर 6 प्लस वन वाई एक्स की पावर 6 निकालना है तो 3 घटाइए यानी 7 में से 3 गया 4, 4 रूट 7 आपका क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 7 रूट 7 आएगा, उसमें से 3 रूट 7 घटाएंगे तो आएगा 4 रूट 7। इससे अच्छा सीधा इसमें से 3 घटाइए और लिख दीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 248 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 में क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 बराबर है हमारा 34 के, और एक्स क्यूब माइनस वन वाई एक्स क्यूब यानी माइनस वाला क्यूब आया है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस की। पहले हम निकालेंगे एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर, और फिर निकलेगा आपका एक्स माइनस वन वाई एक्स, क्योंकि हम सीधा एक्स पर नहीं आ सकते, 34 में दो जोड़ेंगे क्योंकि पहले प्लस पर आ रहे हैं, प्लस पर आएंगे तो दो जोड़ेंगे, 34 और दो 36 यानी स्केयर रूट 36 का आएगा आपका 6। और प्लस से अगर हम माइनस पे आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, 6 में से दो गया 4 यानी स्केयर रूट 4 तो आपका आया 2। और यहाँ से अगर आपको क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 दिया 6, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 2। अगर आपको क्यूब या स्केयर वाले में कहीं भी 2 दिया हो तो उसका राइट आंसर क्या होता है, 2, वो आगे हम आपको बताएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 249 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 में हमें क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 बराबर है आपका 119 के, एक्स क्यूब माइनस वन वाई एक्स क्यूब की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर 119 प्लस 2 121 यानी स्क्वायर रूट 121। और इसके पश्चात हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम x प्लस वन वाई एक्स ज्ञात कर सकते हैं, यानी x सॉरी दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से x माइनस वन वाई एक्स, क्योंकि माइनस वाला क्यूब निकालना है, यहाँ से आपकी वैल्यू आई थी 11 और यहाँ से आपका आएगा 11 में से 2 घटाएंगे 9 यानी स्केयर रूट 9 बराबर हो जाएगा 3 के, और 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 3 दिया 9 यानी 27 में आप क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे क्योंकि माइनस वाला क्यूब है तो आपका आया 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 36। अब हम क्वेश्चन नंबर 250 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 250 में दिया है एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब बराबर है आपका 18 के, और वैल्यू ज्ञात करनी है हमें एक्स प्लस वन वाई एक्स की। पहले हम जाते थे पावर एक से पावर तीन पर यानी क्यूब पर, अब हमें जाना है क्यूब पर। ये क्या होगा आपका ट्राई ऑप्शन से होगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए वहाँ से आप क्या करेंगे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 के लगभग दिखाई दे रहा है क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें से 3 गुणा आपका क्या किया गया है घटाया गया है, यानी अगर हम प्लस पर जा रहे हैं तो हम उस संख्या का क्यूब कर उसका 3 गुणा घटा कर देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इसका क्यूब रूट है या नहीं है। यानी हम मानते हैं x प्लस वन वाई एक्स हमारा ऑप्शन में दिया गया है 3, तो हम यहाँ से क्या इसका
वेल डिफाइंड याद कर सकते हैं, यानी 3 का क्यूब 27, माइनस करेंगे आप 3 3 9 यानी 18, ये बिल्कुल डिफाइंड हो रहा है, यानी यहाँ से आपका एक्स प्लस 1 वाई एक्स क्या है 3 है, यानी ये आपका क्या है राइट आंसर है। क्यूब वाले में हम करते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 वाई एक्स क्यूब की वैल्यू याद करनी हो तो दी गई संख्या का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा में क्या करते हैं उस संख्या का 3 गुणा, यही हमने यहाँ से किया है। अगर आपको ऑप्शन में जो भी दिया जाए वहाँ से आप चेक करेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।